गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं जा रही हूँ नहाने। अपना सारा काम ख़त्म करके अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद आपको आगे का वीडियो दिखाऊँ। हेलो फ्रेंड, मैं नहा के आ गई हूँ और देखिए मेरा गार्डन से 2 फ्लावर निकाली हूँ। अपने लड्डू गोपाल को चढ़ाऊँगी और मैं फिर चाय पीने जा रही हूँ और उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में चाउमीन की रेसिपी बताऊँगी। मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। 250 ग्राम पत्ता गोभी लेंगे, 2 गाजर लेंगे, 2 शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज का प्याज और 8 से 10 हरी मिर्च। और ये चाउमीन मसाला आपको इजली कोई भी मार्केट में अवेलेबल मिल हो जाएगा। पहले हम बंधा गोभी को डालेंगे। बंधा गोभी हम डाल दिए, इसको हल्का भूनेंगे। इसके बाद देखिए हल्का भूनने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और इसके बाद इसी में गाजर भी डाल देंगे। देखिए हल्का इसको भूनने के बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे। इसके बाद इसको भी हल्का भूनेंगे। ये सारी सब्जियों को डालकर लोगों ने मिला लिया है। इसको सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 80 से 90% तक पकाएंगे। इसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। Outer space, and I was sprung out from the earth. We laid down face to face to witness our rebirth. And now, I'll be some beautiful sponsors. टेबल स्पून टमाटर केचप, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों को हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम अपना नूडल्स डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए चाउमीन को हमने मिक्स कर लिया अच्छा से सब्जी में। उसके बाद ये चाउमीन मसाला 1 पैकेट हम पूरा डाल देंगे। सोया सॉस में नमक रहता है इसलिए हम 1 टेबल स्पून थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे। देखिए ये मेरा चाउमीन हो गया। अभी इसको हम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करूँगा। उसके बाद हल्का सा प्याज और थोड़ा सा खीरा डाल के गर्मा गर्म सर्व करिए। कमेंट में जरूर। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम तैयार होके अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं और अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी बेटी को छोड़ दिए, अपने बेटे को लेके जा रहे हैं घर। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिपना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए।